गियर शिफ्ट करना डकवर्थ लुईस पे जो है वो इक्वेशन पे थोड़ी सी बढ़ जाना, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाना, और उसके बाद आई थिंक टर्निंग पॉइंट वो रन आउट था जो डायरेक्ट थ्रो लगी है, वहाँ से जो गेम है वो टोटली जो है हमने देखा कि वो गेम जो है वो वहाँ से बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि उनका मेन जो बैट्समैन था वो उस तरीके से, और उसके बाद फिर निमल हसन जो है उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेलने की कोशिश की, पर एंड ऑफ द डे इंडिया प्लेड वेल। आई थिंक वाज लकी कि बारिश होने की वजह से डकवर्थ लुईस था। आई वाज वेरी एक्साइटेड कि शायद अगर इंडिया यहाँ पे हार जाता तो पाकिस्तान हैज एन ओपन, कहते हैं ना आखिरी दो ओवरों में 20 वैसे ही हो जाना है, तो वो इनएक्सपीरियंस की वजह से आ रहे हैं, वरना इंडिया की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, जब वो दास रन आउट हुआ है आप उनकी सेलिब्रेशन चेक करें, इट शोज के वो कितने अंडर प्रेशर थे। अच्छा मजा जो आया ना बात का वो ये आया कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, और आप देखिए जैसे तो आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, ये मैच का पोस्ट एनालिसिस है जो कल भारत और बांग्लादेश का मैच हुआ, आपको पता है कितना इंटरेस्टिंग मैच हुआ, और अगर कल इंडिया हारती तो आज जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान खेल रहा है, 185 रन का टारगेट दिया, 186 चेस करना है साउथ अफ्रीका के, अभी दो विकेट आउट हो चुके हैं, 39 रन 4.5 बॉल, और आप समझ जाएं तो फिर सीन क्या है, यहाँ पर पाकिस्तान के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जीतने के, तो ऐसा कुछ कल अगर भारत हारता तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस थे सेमीफाइनल पहुंचने के। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के लास्ट में। उन्होंने जो बैटिंग स्टार्ट भी की दास ने उसी माइंड से शुरू की, उसने रन रेट गिरने नहीं दिया, और लकी थे कि विकेटें नहीं गिरी उसका, शुरू में दास का कैच गिरा 25-30 पे उसका कैच ड्रॉप हुआ, मगर चूँकि लक साथ देती है जब आप प्लान के साथ चलते हो, तो मुझे आज इस चीज़ की खुशी थी कि उन्होंने चार पाई ठीक जगह रखी थी मैं देखो ना प्लान करते हैं ना आप किसी हाँ। चीज़ का भी मैच से पहले आप प्लान करते हो कि यार हमने इस प्लान के साथ चलना है, तो आज वो देखें अगर बारिश आई, अगर मैच शुरू ना होता तो बांग्लादेश सीधा सीधा मैच जीत रहा था 17 रन से मैच जीता था, और फिर उसके बाद ये जो मैं हमेशा कहता हूँ जो छोटी टीमें होती हैं ना ये बहुत जल्दी अंडर प्रेशर आ जाती है, आज आप देखो एक टाइम पे उनका 80 पे भी एक आउट ही कोई नहीं था, शायद रन आउट हुआ पहला, वो पहला रन आउट हुआ, उसके बाद वो ऐसा पैनिक किए, देखें जब आपकी विकेट्स इन हैंड हो और 10 ओवरों में 10 की एवरेज हो, मेरा ख्याल है कोई भी दूसरी टीम होती वो इस मैच को हाथ से जाने ना देती, और मगर एकदम ऐसा पैनिक क्रिएट किया उन्होंने, लड़ी लग गई कि वो एकदम विकटें गिरती गई, जो मेरा ख्याल है आज इंडिया को जिसको कहते हैं ना चने चुबोए हैं, आज उन्होंने इंडिया की हालत देखी, बारिश ने जो है वो पूरा मोमेंटम चेक कर दिया, हर्षदीप यार उसने कमाल ओवर किया, मतलब आप देखो कि अप्रिशिएट करना चाहिए उसके कप्तान को और उनकी मैनेजमेंट को कि उन्होंने उसको आपको याद होगा एशिया कप में कैच गिरा था जी। लोगों ने बहुत उसके पे क्रिटिसाइज़ किया, वो उसके घर पे भी जाके बदतमीजी की, मगर आखिरी ओवर उसने एक नए लड़के से करवाया जबकि दो एक्सपीरियंस बॉलर उसके टीम में थे, उसके बावजूद उसको उस पर कितना कॉन्फिडेंस था, और पहला बॉल उसने गलत किया, अगर मेरा ख्याल है कोई भी दूसरी टीम का बॉलर होता ना जितनी भी खेल रही है वो ड्रामे ज़रूर करता, कभी स्लो करता, कभी कुछ करता, आके टांग से बाहर करने की कोशिश करता, मगर उसने अगले 5 बॉल उसने सही जगह जहाँ यॉर्कर होता है ना कि एक टेल एंडर खेल रहा ऑफ साइड पे एक बीच में किया उसने, अदरवाइज़ उसने उसको मौका नहीं दिया कि अब ये मुझे छक्का मार सके, तो मेरे ख्याल में वो एक इंडिया के लिए बहुत प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर आ रहा है जो मेरा ख्याल बड़ी जल्दी लर्न कर रहा है। आपके अंदाजे के मुताबिक तो बांग्लादेश लेके जा रहा था मैच, बारिश ने फिर कुदरत का निजाम है, कुदरत का निजाम है। कल पोला कह रहा था कि बांग्लादेश अच्छा मैं कह रहा था घर में ही देख रहा था, मैं कहा मर गई आज मेरी बड़ी किट लगी, बारिश की तो आपने ही की है, क्योंकि बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया को टफ टाइम दिया, इंडिया में 2016 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो देखिए एक रन से वो हारे थे, अपने होम कंडीशंस में उन्होंने इंडिया को वाइट वॉश किया हुआ है, तो उन्होंने हमेशा इंडिया को टफ टाइम दिया है, और फिर बात वही है कि जैसे सलीम भाई ने बात किया ना, ये जो एक बड़ी टीम होती है जिसको हम छोटी टीम कहते हैं, एक्सपीरियंस कम होता है इसलिए हम छोटी टीम कहते हैं, ना कि ये नहीं कि उनको खेलना नहीं आता, मुझे जो लगता है क्योंकि आप उनके कप्तान की स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा था कि हमारे पास नथिंग टू लूज़ है, हम यहाँ पे सिर्फ अपसेट करने हैं, वर्ल्ड कप नहीं जीतने आए हुए,
ठीक, पहले तो उन्होंने ये अप्रोच रखी थी कि फिर लेस क्रिकेट खेलेंगे, हमारे पास तो कुछ भी, नथिंग टू लूज। वो तो 184 हुआ जब उनको स्टार्ट मिला ना, 7 में 66 और बारिश हुई, और उसके बाद उनको 9 में जब 84 हुआ ना, तो वो गेम वाले हुई, हम जीत सकते हैं, जो मुझे लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो वो आया प्रेशर, तो प्रेशर में एकदम पैनिक किए हैं वो, क्योंकि जैसे एक अगर एक्सपीरियंस बैट्समैन होता ना, वेट कंडीशन है, एक बाउंड्री तो मजे से लग रही थी, नहीं उनका कप्तान तो एक्सपीरियंस था, मगर अंडर प्रेशर बहुत आ गए, अंडर प्रेशर अगर वो मजे से भी खेलते ना, सिर्फ एक बाउंड्री के साथ 8-9 भी करते ना, आखिरी 2 ओवरों में 20 वैसे ही हो जाना, तो वो इन एक्सपीरियंस की वजह से आ रहे हैं। वरना इंडिया के अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, जब वो दास रन आउट हुआ है, आप उनकी सेलिब्रेशन चेक करें, इट शोज के वो कितने अंडर प्रेशर। हाँ, अच्छा मजा जो आया ना बात का, वो ये आया कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। और आप देखिए, जैसे सलीम भाई ने बोला है कि के राहुल का अगर कैच हुआ होता ना, क्योंकि इनके दोनों ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर कोहली और सूर्या कुमार यादव रोज रोज नहीं करेंगे। अगर वो 32 में 50 ना हुआ होता, तो शायद जिस तरह बारिश हो गई थी और जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था, क्या पता 9 ओवर में उनको 35 चेज करना पड़ता, 40 चेज करना पड़ता। ये फिर बात वहीं पर आ जाती है, ये जो T20 में छोटी छोटी गलतियां ना, ये आपको मैच कॉस्ट करती हैं। और अब इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है कि देखिए, पहले के राहुल नहीं कर रहे थे, आज वो भी फॉर्म में वापस, अब रह गया शर्मा, उनका आखिरी गेम आई थिंक जिम्बाब्वे के साथ है, अगर वो वहां पे कर जाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा साइन हो जाएगा, क्योंकि आगे बड़े मैचेस अब आ जाएंगे, सेमीफाइनल अगर जीते हैं तो फाइनल, अदरवाइज जो फिर वही वहाब भाई वाली बात है कि वो कोहली पे और सूर्या कुमार यादव पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, और अगर प्रेशर गेम वो ना चले तो फिर वो कलैप्स कर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक तो फील्डिंग का फैक्टर भी है विकी भाई, और दूसरा कुछ बॉलर्स ने ज्यादा रन भी ले लिए ना, हसन महमूद को देखें 47 बांग्लादेश के साथ, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मुस्तफीजर अच्छे हैं, उन्होंने 4 में 31 दिए, साकिब को 4 में 33 दिए, ये जो 2 ओवरों का डिफरेंस है, उनका बहुत बड़ा डिफरेंस है, 8 में 104 हो जाना, दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस, यानी 13 की रन रेट से आपको एवरेज से उसमें 70-80 भी होता तो शायद वो देख रहे कितना, मतलब 80-90 भी होता तो दैट वुड हैव मेड अ डिफरेंस। लेकिन आज देखिए थोड़ा सा इंडिया क्यों अंडर प्रेशर था, कि आज इंडिया की जितनी भी बॉलिंग लाइनअप थी, आप बिनवेश्वर को देख लें, आप अर्शदीप को देख लें, आप शामी को देख लें, पांड्या को देख लें, आप देखेंगे 4 मेन बॉलर जो थे, चारों को पहले 2 ओवरों में 20 से ऊपर रन लगे, so that is where the Indian team was also under pressure. और that is somewhere के जिधर थोड़ा सा देखें, T20 क्रिकेट में ना ऐसे दिन आते हैं जिधर आपके 2 से 3 बॉलर जिस दिन मार खाते हैं ना, तो उस दिन आपको आराम से 180+ हो जाता है। वो हमने देखा 2 बॉलर्स बांग्लादेश की तरफ से, इधर से सारे थे, लेकिन वो कंटिन्यूएशन जो मोमेंटम टूट जाना, चले जाना, फिर मोमेंटम शिफ्ट हो गया या इंडिया ने अपना गेम प्लान बदल दिया? नहीं, मेरा ख्याल वो जैसे अभी बोला कह रहा था ना कि वो उनको समझ नहीं आई कि हम यार चेज करने लगे हैं, सोचा ही नहीं, दफा होता है ना वो यार सीधे जीत जाएंगे हम। हाँ। तो वो उस वक्त प्रेशर में आए। आज देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया की बॉलिंग, जब भी आपको याद होगा प्रोग्राम में मैं कहता था कि इंडिया की बॉलिंग बड़ी वीक है, वीक लिंक है, क्योंकि आप उसके जडेजा और उनके फास्ट बॉलर के जाने के बाद इनके पास हमेशा इंडिया की कोशिश होती है कि हम बड़ा स्कोर करें ताकि हमारी बॉलिंग जो है वो कवर कर सकें। आज भी अगर आप एक चीज़ देखो तो आज मेरे ख्याल में इंडिया को 200 करना चाहिए था। अच्छा ये वो पोले वाली बात के दूसरे लोग ना क्रिटिसिज्म को अच्छा लेते हैं, अगर आप आज कोहली को देखो तो कोहली ने आज स्लो खेला है, शुरू में उसने बड़ा स्लो खेला है, और वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना जो स्कोर कर रहे होते हैं, इनको एक चीज़ का होता है कि यार हम मैच ऑफ द टूर्नामेंट जो है ना, हम स्कोर इतना करें कि हमारा नाम ऊपर रहे। तो आज थोड़ा सा मुझे लगा कि जब 2 आउट थे, स्कोर ज़्यादा हो सकता था। अगर आप उसकी बैटिंग को अगर आपने देखी है, चूँकि मैं तो पूरा मैच देखा था, वो आज उसकी उसने फुल टॉस भी की है, उसके जब उसका 46 था, नॉर्मली कोहली अगर खेल रहा हो 46 या स्कोर कर चुका हो तो बाहर बॉल फेंकता है। उसकी कोशिश थी कि मैं सिंगल करूं, मैं पहले 50 करूं और फिर उसके बाद मैं बड़ी हिटें जाऊंगा। तो ये चीज़ें ना, मेरा ख्याल है अगर आज इंडिया हारता भी तो थोड़ा सा बैटिंग आज कोहली ने, आप देखो कि
बाद में कवर किया है, हिटे मारी, कवर तो कर लिया ना। नहीं, मगर बात यह है कि जो आप 200 कर सकते थे, फिर मोमेंटम टूट जाता ना, दूसरा बंदा तो जब आप, मैं सेट हूँ अगर, तो फिर मुझे तो फिर जब मैं कर सकता हूँ अपने पाकिस्तान के मैच में। सलीम भाई शायद उनका, उनको कोहली को रोल दिया क्योंकि वो एक बंदा है जो एंकर रोल करे। हाँ। बाकी देखें आप, जो भी आता है, सूर्या कुमार यादव भी आता है, वो भी 5 आउट हुए भी हों साउथ अफ्रीका के गेंस, हमने देखा वो अपनी इनिंग खेल वो मारा है। के राहुल और शर्मा वैसी अटैकिंग ओपनर्स हैं, आई थिंक वो एक ऐसे बंदे, उसको रोल दिया हुआ है कि आपने पूरा लेके जाना है। अच्छा, उसमें भी फिर एट द एंड ऑफ द डे कोहली नुकसान नहीं करता, मगर कवर कर लेता। मगर आमिर जब 4 ओवर रह जाए तो फिर रोल खत्म हो जाता है ना, फिर तो आप टीम के लिए खेलते हो। हाँ, रोल उसका बिल्कुल है, वो शुरू में ले के टीम को चलता है। मगर जब आखिरी 4 ओवर 5 ओवर रह जाए तो फिर तो आपको टीम के लिए खेलना होता है ना, अगर अपने लिए तो नहीं खेलना ना। वो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वो 44/6 पे खेल रहा था, जब उसको फुल टॉस मिले तो उसने स्लो खेला। बहरहाल ये मेरा एक ओपिनियन है, मैं मतलब वो बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया का, क्या पूरी दुनिया में उसका बहुत नाम है, मगर कई दफ़ा कुछ प्लेयर अपने लिए भी खेल जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि वो हर मैच में 50 करके रैंकिंग में नंबर 1 आना चाह रहा है। रैंकिंग में तो आ जाएगा, जैसे अभी तो नंबर 10 पे ना, देखे ना आज आ गया ना सूर्या कुमार। अभी विकी यही कह, आमिर यही कह रहा था, आईसीसी की आमिर से पूछिए, आमिर रो है हर हफ्ते बाद निकलता है ये। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कोहली हर मैच में 50 करना चाह रहा है और उसके बाद नंबर 1 बनना चाह रहा है। मेरा लेकिन वो जिस मैच में, आप याद रखना, जिस मैच में वो चाह रहा वो करता है, वो बड़ा प्लेयर है और बाकी करना चाहते हैं। ओके, जिस मैच में वो 99% बल्कि 95% जिस मैच में 50 करता है इंडिया मैच जीतती है। विकी भाई, आप कुछ कह रहे थे कोहली की 50 और रैंकिंग नंबर 1 पे। नहीं, मैं रैंकिंग पे बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात करूं, सलीम भाई की बात को देख रहा था, तो मैं अगर लास्ट पे फिगर्स निकालूं कि जो इनके 4 बैट्समैन हैं, हार्दिक पांड्या, कार्तिक, अश्विन पटेल और अश्विन, इन 4 लोगों ने टोटल मिला के 23 बॉलें खेली और 23 बॉलों में इन्होंने सब ने 32 रन किए टोटल मिला के। सो दैट वुड ऑल्सो बी अ रीज़न वेर ही न्यू कि मेरी फॉर्म लगी हुई, आई एम द मैन इन फॉर्म, तो मैं जो है वो मैच को लंबा ले जाऊँ। मेरे इर्द गिर्द कोई आके अगर शॉट्स खेलता है तो दैट इज़ लाइक आइसिंग ऑन द केक। एंड में उसने एक्सेलरेशन किया, सलीम भाई सही कह रहे हैं कि 184 को अगर 200 कर लेते तो वो साइकोलॉजिकल भी आपके साथ प्रेशर हो सकता था। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि वो शायद उनकी लोअर मिडल ऑर्डर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वो 2 प्लेयर हैं आज, मेरा ख्याल है राहुल ने भी 50 आज 4th मैच में जाके किया, तो कहीं ना कहीं ये माइंड में थिंकिंग हो सकती है कि मैं प्रॉबेबली सारे खेलूँ, क्योंकि देखिए दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, अश्विन प्लेट, वो सारों की कोशिश होगी कि वो मारते हुए आउट हो गए एंड ही वाज स्टिल नॉट आउट। सो उसके इर्द गिर्द खिलाने का प्लान कुछ इस तरीके से, अगर विकी मैं शुरू की तो मैंने देखे, मैंने उसको शुरू के ओवर्स की क्रिटिसाइज किया ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं एंड में आप देखो उसने 3 ओवर में 50 भी हमारे खिलाफ किया। लेकिन एंड पे आप ये देखें ना, पाकिस्तान वाला जो मैच हुआ वो ना होता तो पांड्या ने तो पूरा मैच दे दिया था ना हमें, वही फिनिश करके गए। पांड्या ने 39 बॉलों पे 39 किया, लेकिन वो एंड तक रहा है उसने मैच फिनिश करना चाहिए था, तेज खेलना चाहिए था, मेरा अपना ओपिनियन। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लेकिन उसको थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था। कि आज अगर हम डिफरेंस देखें तो लिटन दास उसने 27 बॉलों पे 60 किया, कोहली का 44 बॉल्स पे 62 है। सो प्रोबेबली डिफरेंट आप मैच पता कब हारते हैं, जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, जब आप किसी भी मैच को इजी लेने की कोशिश करते हैं ना कि यार ये टीम 180 बहुत है, मगर आज 184 भी कम लग रहा था। जब बाउंड्रीज की डाइमेंशंस देखें, छोटी थी, बहुत छोटी थी, बारिश होने की वजह से भी बॉल से भी बॉल गीला हो गया। अगर शांतो थोड़ा सा अच्छा खेल जाते ना दास के साथ, अलग लास्ट मैच में शांतो ज्यादा अच्छा, कुड बी द डिफरेंट बॉल गेम। मेरा ख्याल कोई भी विकी खेल जाता, आमिर खेल जाता ना, थोड़ा सा साथ उसका दे, क्योंकि वो देखे ना उसके साथ जिस तरीके से वो इंडिया के खिलाफ खेले हैं, कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग में हमें जान लगी अगला मैच हमारे साथ, क्योंकि वो अगर उसके साथ पूरा खेला, उसने 25 बॉलों पे 21 किया, अगर उसने 25 पे 35 किया होता तो देखे कितना डिफरेंस, जिस तो 25 बॉलों पे उसने 21 किया अगर, और हालांकि दास जो है वो इतनी फॉर्म में नहीं थे, शांतो अच्छा खेलता हुआ आ रहा था, अगर वो थोड़ा सा अच्छा सा ऊपर से क्विक स्टार्ट दे देता तो शायद आज हम बैठे होते कि पाकिस्तान का प्रॉपर चांस है।
लेकिन उन्होंने रोल भी तो डिफाइन किया था ना, शांतो ने फिर अपनी इनिंग को लिटन दास के साथ सिंक किया। तो देखिए अगर हम बांग्लादेश सिंक नहीं होता है 184 चीज कर रहे हो तो फिर सिंक वाला कोई चक्कर नहीं। बांग्लादेश ने जितने भी पिछले मैचेस खेले हमें उनकी बैटिंग जो है वो इतनी कमांडिंग पोजीशन में कभी भी नजर नहीं आई जितने ये पहले 7 ओवर उन्होंने खेले पावर प्ले के 6 ओवर प्रोबेबली। सो कहीं ना कहीं देखिए सेंटो ने पिछले मैच में डिफरेंस क्रिएट किया था, इसमें आके लिटन दास ने किया। अभी भी शाकिब उस तरीके से स्कोर नहीं करे, या फीफ हुसैन या जो उनके नीचे टेल है वो उस तरीके से स्कोर नहीं करी बैट्समैन उनके। एक देखें T20 में क्या होता है कि आपको एक दो इनिंग्स ही चाहिए होती है, जब आप 180 चेस कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ दो लड़के ऐसे चाहिए होते हैं जो एक 50 या 60 प्लस करें, 70 ऑड रन करें, और एक उसके साथ 40-45 रन की पार्टनरशिप कर ले, तो उसके साथ आप देख लेंगे वही फ़र्क डिफरेंस आ जाता है। आमे की बात बिल्कुल ठीक है कि शंटो ने 21 किए, अगर वो थोड़ा सा रन ज़्यादा कर लेता या आप उसके साथ देखें शकीब कर लेता, क्योंकि देखें जो ये न्यूरल हसन है वो उन्होंने 14 गेंदों किया, तो कहीं पे एक क्विक 10-15 रन का डिफरेंस जो 4-5 बॉलों में होता दैट वुड हैव क्रिएटेड मोर प्रेशर ऑन इंडिया, और फिर इतना इजी ना होता इंडिया के लिए मैच जीतना, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ 6 रन से मैच आ रहे हैं, 5 रन से आ रहे हैं, 5 रन से दैट वाजंट अ मेजर डिफरेंस। सो एक दो पार्टनरशिप जो है ना बेसिक चेज हो, चाहे आप टारगेट सेट करें, यू नीड सम गुड पार्टनरशिप्स जो के स्कोर जो है वो बोर्ड पे लगा सकें। अच्छा कम बैक था बांग्लादेश की तरफ से, दे ट्राइड रियली वेल, सिर्फ फर्क यह पड़ा कि मोमेंटम बारिश ने तोड़ दिया जिसकी वजह से गेम यू नेवर नो के किस तरफ जाए, कब कहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा 16वें ओवर में तकरीबन वो हसन महमूद की बॉल पे कोहली ने कहा कि भाई है नो बॉल ने, क्या हो गया, देखिए ना कितना काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं आते रैंकिंग। आज वैसे किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था एम्पायर होने से, अगला एम्पायर कोहली होगा, एम्पायर्स की जरूरत ये बड़ी बड़ी गलत रीत बन रही है कि इंडिया पहले ही इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है उनको कि इंडिया, आप देखें ना दो दफ़ा हो चुका है, एक दफ़ा हमारे खिलाफ कि उसने इशारा किया अंपायर ने नो बॉल दी, और आज भी उसने सेकंड जब बाउंसर किया है तो उसके इशारे के बाद नो बॉल दिया गया, तो ये अच्छी चीज़। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। तो मैंने बोला आपको कि पाकिस्तान आज जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है ना 43-4, उसके बाद आके नवाज़ और इफ्तिकार के बीच एक पार्टनरशिप होती है, और शादाब खान क्या बैटिंग की है, 20 बॉल पे 50 रन उन्होंने मारे हैं, और अभी की सिचुएशन ये है कि 5.3 ओवर हो चुके हैं और 44-2 है साउथ अफ्रीका। मेन बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और राइली रूशो जो उनके मेन बल्लेबाज थे वो आउट हो चुके हैं। बमूबा बिल्कुल अलग फॉर्म में दिख रहे हैं, 13 बॉल 25 रन, और साथ मकरम खेल रहे हैं। तो आप समझें कि ये मैच मेरे हिसाब से अभी 90% मैच ये पाकिस्तान के हाथ में, अब मैच है कुछ भी हो सकता है, जैसे 40 पे 4 होने के बाद पाकिस्तान 185 बना रहा है तो फिर कुछ भी हो सकता है, बट पाकिस्तान ज़्यादा अभी फेवरेट लग रहा है। और ये मैच अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर पाकिस्तान के लिए कैसा सिनेरियो बनेगा, पाकिस्तान के लिए होगा क्या, अगला मैच भारत या तो जिम्बाब्वे से आ रहे या साउथ अफ्रीका नीदरलैंड वाला मैच बारिश से पॉइंट शेयर हो जाएं, या तो फिर साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारे। तो पाकिस्तान अगला मैच उसके बाद बांग्लादेश से जीतना भी होगा, ऐसा नहीं है, तो पाकिस्तान के हो जाएंगे 6 पॉइंट, साउथ अफ्रीका भी फंसेगा 6 पॉइंट पे, इंडिया अगर हारता है तो इंडिया भी फंसेगा 6 पॉइंट पे, फिर मामला जाएगा नेट रन रेट पे। तो नेट रन रेट के हिसाब से पाकिस्तान पॉजिटिव है, इंडिया भी पॉजिटिव है, साउथ अफ्रीका बहुत आगे है, तो आप समझ जाएं सीन क्या होगा। तो पाकिस्तान को यहाँ पे ये कोशिश करनी होगी कि वो ये मैच बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, मतलब साउथ अफ्रीका अगर ये यहाँ पर 150 से कम में ऑल आउट हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब कल के मैच की बात करें तो कल के मैच का टर्निंग पॉइंट वही था, आप समझ जाएं क्या था, कि भारत ने जब बैटिंग करने के बाद बारिश हुई बांग्लादेश की, और बांग्लादेश का जो के लिटन दास जिस तरीके से खेल रहा था वो अगर रन आउट ना होता तो शायद ये मैच बहुत पीछे हम चले जाते, तो वो एक क्रूशियल पॉइंट था। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में।